हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? यार, जैसे आपको पता ही है, जेई मेन 2021 की डेट्स आ गई हैं। दोनों अप्रैल की हमारी और मई की जो शिफ्ट्स हैं वो पोस्टपोन होके अब जुलाई और अगस्त में हो रही हैं। सो यार, एक सवाल जो है जो सबके मन में अभी आ रहा है कि क्या हमें दोनों शिफ्ट्स के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर ये ऑल टुगेदर एक वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। मतलब हम दो बार सेंटर में जाएंगे, है ना, और इट विल बी यू नो वेस्टेज ऑफ टाइम डेफिनेटली। और हो सकता है कि मतलब अगर हमारा सेंटर दूर है थोड़ा तो हमें वहाँ पे 4-5-6 दिन रहना पड़े, राइट? दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। जैसे मान लो एक अटेम्प्ट हमारा पहले दूसरे दिन है पहली शिफ्ट में, और फिर दोबारा जो हमारी सेकेंड शिफ्ट होगी उसमें हमारा फिर से अटेम्प्ट आ रहा है, तो बीच में मान लो 4-5 दिन का गैप है और आपका जो सेंटर है वो आपके शहर से दूर है, तो आपको वहाँ पे जाके किसी होटल में या अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहना पड़ेगा। डेफिनेटली उतनी बेटर तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाएगी जितनी बेटर तरीके से आप घर पे करेंगे। और अगर आपका टारगेट जेई एडवांस है तो फिर डेफिनेटली ये एक दुविधा वाला क्वेश्चन है। तो एक छोटे से वीडियो में यार इसको आंसर करेंगे, और ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में यार और आ रहे होंगे तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं उस पर भी वीडियोज़ बना दूंगा क्या आपके मन में चल रहा है। आई एम हेयर टू गाइड यू एज मच एज पॉसिबल, ठीक है? छोटे छोटे वीडियोज़ रखेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ कि मान लीजिए आप एक ही अटेम्प्ट फिल करते हैं, दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट है ना, मान लीजिए अगर आप एक अटेम्प्ट फिल करते हैं, पहला या दूसरा, लेट से आपने पहला फिल किया या दूसरा फिल किया अटेम्प्ट, तो आपका वो अटेम्प्ट किसी कारण ख़राब हो जाता है, ठीक है? किसी कारण, मान लो उस दिन आपका हेडेक था या फिर आपको क्वेश्चन क्लिक ही नहीं हुए, कई बार दिन भी खराब होता ना, जैसे सचिन कई बार होता है कि जल्दी आउट हो जाते थे ना, तो बेसिकली कई बार दिन भी नहीं होता हमारा, तो हमारा ख़राब भी हो सकता पेपर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें दो अटेम्प्ट भर देने चाहिए दोनों, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं पहली बार तो हमें दोनों अटेम्प्ट भर देने चाहिए, पहली चीज। अब दोनों अटेम्प्ट देने हैं कि नहीं देने हैं वो अलग डिस्कशन है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो आप पहला अटेम्प्ट देते हो, ठीक है, पहला अटेम्प्ट देते हो, अब आपको लग रहा है कि पहला अटेम्प्ट आपका बहुत शानदार गया, आपके आंसर की शाम तक सारे कोचिंग वाले बना देते हैं, हम लोग बना देंगे, तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, ठीक है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मेन से, मान लो उतना परसेंटेज आपका आ जाएगा, स्पेशली मतलब आप अगर 99% के ऊपर हैं, 99.5, 99.9 उस रेंज में पहुंच रहे हैं अगर आप, है ना, और आपको लग रहा है कि अब यार अगले अटेम्प्ट में कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने नहीं वाला है और मेरा टारगेट अब जेई एडवांस है, तो आप पहले अटेम्प्ट के बाद घर वापस आ सकते हैं अगर आप आउट स्टेशन गए हैं, ठीक है, तो आपको फिर सेकेंड अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं है। आपका वो भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा बस उसी के बेसिस पे आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं एडवांस, क्योंकि एडवांस भी बहुत जल्द होगा, तो फिर गैप नहीं मिलेगा, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? दैट इज वन थिंग विच यू कैन डू। अदर थिंग इज दैट अगर आपका सेंटर आपके शहर में ही है, ठीक है, जहां पे आपको, फिर मैं ये कहूंगा कि आप पहला अटेम्प्ट दे ले, उसके बाद आप अपनी एडवांस की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है, पहले अटेम्प्ट के जस्ट अगले दिन आप एडवांस की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें, और जब सेकेंड अटेम्प्ट होगा तब उस दिन 3 घंटे जाके आपको पेपर ही तो देना है, उसको आप समझ लीजिए कि प्रैक्टिस होगी, मॉक टेस्ट हो गया एडवांस का ना, तो सेकेंड अटेम्प्ट जरूर दे पाए, देके आया ना। और अगर आपका आउट स्टेशन आपको लग रहा है आपको दोबारा जाना पड़ेगा, इट विल बी हेक्टिक, फिर से 2-3 दिन खराब होंगे या आपका एक बड़ा टाइम पीरियड खराब हो रहा है, और आपका अगर पहला अटेम्प्ट अच्छा गया है, इफ़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ गुड वन, अगर पहला अटेम्प्ट अच्छा गया है फिर आपको अब दूसरा अटेम्प्ट देने की फिर जरूरत नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे जो पिछले मार्च के अटेम्प्ट और फेब का अटेम्प्ट उसमें मैं 100% पे बैठा हूँ, 99.9% पे बैठा हूँ, अब दोबारा फिर क्या करोगे ना यार, देखे अब तो पहले ही बैठे, तुम फिर एडवांस की तैयारी करो अपना, वाई टू डिस्टर्ब योर एडवांस प्रेपरेशन, वाई टू वेस्ट योर यू नो 4, 5, 6, 7 days प्रीशियस, ये बहुत प्रीशियस टाइम है। अगर आपका टारगेट क्या है IIT, अगर आपका टारगेट IIT है तो आप अपने समय को व्यर्थ नहीं कर सकते, ठीक है? तो इन द नटशेल व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि अगर आपका शहर में ही सेंटर है और आपको लग रहा है आप जा सकते हो तो आप दोनों अटेम्प्ट भर दो, अफोर्ड कर सकते हो तो दोनों अटेम्प्ट दो, लेकिन अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट हो तो पहला और दूसरा भर दो, पहला अटेम्प्ट दे के आओ, अगर अच्छा जाता है तो उसके बाद घर वापस आ जाओ, लेकिन अगर पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं जा रहा है और आपका उस दिन खराब था और अब आपको दूसरा अटेम्प्ट तो देना ही पड़ेगा, फिर आप वहीं पर रुके 5-7 दिन जहां पे भी है उसमें पढ़ने की कोशिश करें और अपना सेकेंड अटेम्प्ट देने के बाद ही घर आए। तो आपको ये देखना है कि क्या आप मेंस में इतना परसेंटेज ला पा रहे हैं या ला चुके हैं जिससे आपको NITs में टॉप ब्रांच मिल जाए। अगर आपको अपनी पसंद की NIT में टॉप ब्रांच मिल रही है तो JEE मेन का काम खत्म है, फिर आप सीधी एडवांस की प्रेपरेशन पे फोकस करें और अपनी प्रेपरेशन में एडवांस में पूरे एडवांस सॉल्विंग करें और
बढ़िया से करें, ठीक है। आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं आपके कमेंट्स के, आपके क्वेश्चंस के, बहुत जल्द छोटे छोटे वीडियोज के थ्रू हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।